इंग्लिश सीखना है? बिल्कुल सीखना है, क्यों नहीं सीखना है, हम इंग्लिश सीख के रहेंगे, यही तो हम यहाँ करने आए हैं। तो चलिए पहले हम अपनी इंग्लिश तो चेक कर लें कि हमें इंग्लिश आती कितनी है। वर्ड मीनिंग से चेक करते हैं। यहाँ बोर्ड पे देखिए, मैंने यहाँ पे हिंदी के लिए एक शब्द लिखा हुआ है, खाना, और हमें पता है कि खाने के लिए इंग्लिश में वर्ड होता है ईट। लेकिन जैसे ही हमारी नज़र यहाँ नीचे वाले वर्ड पे जाती है, तब हमें एकाएक से याद आता है, अरे भाई ये तो फूड भी जो है खाने के लिए इंग्लिश में इस्तेमाल किया जाता है। चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ देखते हैं। यहाँ हमने एक शब्द लिखा हुआ है गाना, और गाने की इंग्लिश हमें पता है कि सॉन्ग होती है। लेकिन जैसे ही सॉन्ग के नीचे वाला शब्द हम देखते हैं, तो हमें याद आता है सिंग मतलब भी तो गाना होता है। तो यहाँ तक तो आपको कुछ मेरी बात समझ में आई गई होगी, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे मैंने एक शब्द लिखा है आम, और आम के लिए हमें पता है कि आम की इंग्लिश मैंगो होती है। लेकिन मैंगो के नीचे जैसे ही हमारी नज़र पड़ रही है, तो हमें याद आ जाता है कि जनरल भी तो जो है आम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या आम की जो इंग्लिश होती है वो जनरल होती है। तो इस तरीके से हमें ये तो समझ में आ रहा है कि हमारे पास हिंदी के लिए जो शब्द हैं उनकी इंग्लिश हमें पता है। लेकिन साथ साथ इनके एक भाई साहब ये भी खड़े हैं, यहाँ आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे इनके लिए ये हैं और इनके नीचे इनके भाई साहब एक और खड़े हो गए हैं, ठीक है। और इसी तरीके से आम के लिए भी मैंगो है, और मैंगो के नीचे एक और शब्द हमारे सामने खड़ा हो गया है। अब यहाँ से हमें कन्फ्यूजन होना स्टार्ट हो जाता है। अगर कोई ऐसा वाक्य मिल गया जिसमें एक शब्द दो बार प्रयोग हो रहा है, तो हम दोनों अंग्रेजी में से कौन सी अंग्रेजी पहले लिखेंगे, कौन सी अंग्रेजी बाद में लिखेंगे, ये भी हमें कन्फ्यूजन है। जैसे यहाँ मैंने, यहाँ देखिए, मुझे खाना खाना है, तो अब आप देख सकते हैं कि खाना पहला जो शब्द है इसके लिए हम ईट लिखें या फूड लिखें, ये भी कन्फ्यूजन है। और जो ये जो दूसरा वाला खाना है इसके लिए हम फूड लिखें या ईट लिखें, ये भी एक कन्फ्यूजन है। इसी तरीके से या इस वाक्य को भी देखा जाए, मुझे गाना गाना है, तो ये जो गाना शब्द पहली बार इस्तेमाल हो रहा है इसके लिए हम सॉन्ग लिखें या सिंग लिखें, और ये जो गाना शब्द दूसरी बार प्रयोग हो रहा है इसके लिए हम सिंग लिखें कि सॉन्ग लिखें, ये भी कन्फ्यूजन है। चलिए कन्फ्यूजन बढ़ती चली जा रही है, आपकी कन्फ्यूजन को थोड़ा हल्का कर देते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा शब्द मिल गया जहाँ पे केवल एक ही शब्द एक बार इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम इसकी इंग्लिश कौन सी लिखेंगे, तो हम फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपके इन्हीं डाउट्स को दूर करने के लिए मैंने आज का वीडियो बनाया है। अरे अरे रुकिए, अभी कंफ्यूजन यही नहीं खत्म हुआ है, जरा इन दोनों भाई साहब लोगों को भी देख लिया जाए। यहाँ पे यह शब्द के लिए हमें पता है कि दिस भी होता है और इट भी होता है, इसी तरीके से वह के लिए ही भी होता है और दैट भी होता है। तो देखते जाइए कितना कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन एक यहाँ पे स्टार्ट हो रहा था, ये भी लोग जो है हाथ धो के पीछे पड़ गए कि अब हम आपकी कन्फ्यूजन को बढ़ा के रहेंगे। तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम है ना आपके लिए रूल्स लाए हैं, आपके लिए कॉन्सेप्ट्स लाए हैं, और उन कॉन्सेप्ट्स को सीखिए, उन रूल्स के थ्रू एग्जाम्पल्स को समझिए, और फिर अपनी इंग्लिश को ईजी बना लीजिए। स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जहाँ पे आज हम इंग्लिश की छोटी छोटी बातें सीखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चैनल में बहुत सी इन्फॉर्मेटिव बातें होने वाली हैं, और इन्फॉर्मेटिव होने के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी होने वाली हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत से बच्चों में ये कन्फ्यूजन है कि उनको बेसिक रूल्स ही नहीं पता हैं। जब तक रूल नहीं पता होगा तब तक आप ये कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इंग्लिश के ट्रांसलेशन को अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए
लीजिए, आप उसकी कोई चिंता मत करिए, मैं आपको जैसे जैसे बताता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप रूल समझते जाइए और चीज़ों को सीखते चले जाइए। देखिए, जब हम ट्रांसलेट करने जाते हैं तो हम एक और गलती करते हैं, और वो गलती ये होती है कि हम हिंदी में जैसे जो शब्द लिखा हुआ है उसकी जो हमने अंग्रेज़ी याद की हुई है उसी अंग्रेज़ी वाले शब्द को जो है वो हम यहाँ लिख के और ट्रांसलेट करते हैं। जैसे हमें पता है कि मुझे के लिए मी होता है, ठीक है के लिए इज होता है। अब यहाँ पे खाना और खाना, ये शब्द दो बार आ रहा है, तो किसी का मन करेगा तो ईट को पहले लिख देगा और फूड को बाद में लिख देगा, या कोई कोई ऐसा भी होगा कि वो फूड को पहले लिख देगा और ईट को बाद में लिख देगा, ठीक है। अब देखिए, यहीं से जो है गलती हमारी शुरू हो गई है, और इसके बाद आप चाहे लाख कोशिश कर लीजिए, आपका सेंटेंस बनाया हुआ कभी भी सही नहीं होगा, वो हमेशा गलत होगा। जैसे यहाँ पे हमने जब इसका ट्रांसलेशन बनाया तो हमने इसको इस तरीके से लिख दिया, मी फूड ईट इज। अब आप तो चौड़े होके खुश होके आ गए कि हमने तो जो है आज ट्रांसलेशन बना दिया, हमने आज एक अचीवमेंट हासिल कर ली। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, रूल फॉलो हुआ नहीं हुआ। तो जब रूल नहीं फॉलो हुआ तो आपका सेंटेंस कहाँ से सही बनेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी रूल को बिना फॉलो किए हुए कोई काम करेंगे तो उसका रिज़ल्ट जो है कभी भी पॉजिटिव नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, अभी ये सही कैसे होगा उसको हम बाद में देखेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं। जैसे यहाँ देखिए, मुझे के लिए मी, गाने के लिए सॉन्ग और गाना के लिए सिंग, और है के लिए इज लगा हुआ है, ये हमें पहले से पता है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि उनके दिमाग में ये बात रहती है कि सब्जेक्ट के बाद इज लगाया जाता है और उसके बाद से जो भी होता है हम उसको लिख देते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो इस चीज़ को ऐसे लिख देते हैं, और उसके बाद से उनके चेहरे की हंसी देखने लायक रहती है, जैसे मानो उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर ली हो। तो क्या आपको लगता है कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही है? जी नहीं, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है, ये सेंटेंस भी गलत है। अब बचते हैं ये, ज़रा इनको भी देख लिया जाए। हमें ये पता है कि वह के लिए ही होता है, लेकिन ये भी तो पता है कि ही के साथ साथ वह के लिए दैट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक के लिए कोई वन लिखता है और कोई जो है ए लिखता है। आम के लिए फिर वही कन्फ्यूजन आ गई कि हम मैंगो लिखें कि जनरल लिखें। तो किसी का मन कर दिया, उसने मान लीजिए मैंगो लिख दिया। और खाता के लिए फिर वही, खाता है तो खाता तो जो है अकाउंट को भी बोलते हैं और ईट को भी बोलते हैं, और है के लिए इज लगा दिया, ठीक है। तो ये हमारी रटी रटाई जानकारी है, हमने ना वाक्य का सेंस समझा ना नियम समझा, और हमने क्या किया है कि इन शब्दों की जो इंग्लिश होती है उसको उतार के और इसका आपस में जो है तालमेल बैठा के एक सेंटेंस बना दिया। तो इस तरीके से जो है ये सेंटेंस इस तरीके का बना, वन मैंगो अकाउंट। तो अब जरा इस सेंटेंस पे ध्यान दीजिए, देख लीजिए ये वाक्य क्या कह रहा है और इसकी इंग्लिश क्या कह रही है। अब तो आप खुद से समझ सकते होंगे कि आपका जो अंग्रेज़ी जानने का लेवल है वो किस लेवल पे आप हैं। मैं फिर से ये बात कह रहा हूँ कि आप जब तक एक एक सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे तब तक आप छत पे छलांग लगा के कभी नहीं पहुँच सकते हैं, ठीक है। इसलिए पहले एक एक रूल को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए
आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें ये सीखना है कि हम इंग्लिश और हिंदी में वाक्यों को किस तरीके से लिखते हैं, यानी वाक्यों को लिखने का नियम क्या होता है। तो जैसे यहाँ पे मैंने हिंदी में जो वाक्य लिखा है, इस वाक्य को बनाने का जो नियम है वो हमारा कर्ता, कर्म और क्रिया है। कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया। इंग्लिश में कर्ता को हम सब्जेक्ट बोलते हैं, कर्म को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं और क्रिया को वर्ब बोलते हैं। तो इस तरीके से हमें ये पता चला कि हिंदी में जो भी वाक्य हम लिखते हैं वो कर्ता कर्म और क्रिया के नियम को फॉलो करते हुए लिखे जाते हैं। लेकिन 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 ध्यान से सुनिए, इसके बाद जो मैं कहने जा रहा हूँ वो सबसे ज़रूरी बात है, और वो बात ये है कि जब हम इंग्लिश में किसी सेंटेंस को लिखते हैं तो उसके लिए हम ये नियम नहीं लगाते हैं, हम जो है इंग्लिश के लिए कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म के नियम को फॉलो करते हैं। अगर इंग्लिश में कहा जाए तो यहाँ पे कर्ता के लिए सब्जेक्ट, क्रिया के लिए वर्ब और कर्म के लिए ऑब्जेक्ट। यानी कुल मिला जुला के हमारे सामने जो फॉर्मूला आ रहा है वो है SVO। SVO फॉर्मूला इसको कहा जा सकता है। आज से अगर मैं भविष्य में SVO फॉर्मूला वर्ड यूज़ करूं तो आप ये समझ लीजिएगा कि हम इसी नियम की बात कर रहे हैं, और ग्रामर में, ट्रांसलेशन में, पूरी इंग्लिश में किसी भी वाक्य को लिखने का यही बेसिक नियम होता है। इसके अलावा जो भी नियम है वो इससे ऊपर के नियम है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमें छत पे चढ़ना है तो हमें सीढ़ियों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो हमारे पास रूल है ये वो सीढ़ी है जिसकी मदद से हम छत पे चढ़ सकते हैं। यहाँ तक तो आपको बात क्लियर समझ में आ गई होगी। अब इसको बनाया कैसे जाएगा वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रांसलेशन सीखने की सबसे पहली सीढ़ी यही है कि हमें ये रूल अच्छे से याद होना चाहिए। इसमें कहीं कोई डाउट की बात नहीं है। एस से हमारा सब्जेक्ट यानी कर्ता, वी से हमारा वर्ब यानी क्रिया, और ओ से ऑब्जेक्ट यानी हमारा कर्म। तो इस तरीके से अब हम ये याद रखें कि हमें भविष्य में जो भी ट्रांसलेशन करना है, जिस भी हिंदी वाले शब्द की अंग्रेजी बनानी है, उसमें हम यही नियम फॉलो करेंगे। अब एक छोटी सी बात यहाँ आप ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। हमने जैसे आपको बताया था कि यह के लिए जो है वो दो शब्द इंग्लिश में होते हैं, पहला होता है दिस, दूसरा होता है इट। तो अब ये दिस क्या हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या इट हर जगह हम इस्तेमाल कर सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिस को यूज़ करने के अलग नियम होते हैं और इट को यूज़ करने के अलग नियम होते हैं। यहाँ पे हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि हम एक छोटे से सेंटेंस को, एक आसान सेंटेंस को किस तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। तो आज हम केवल दिस वाले शब्दों की चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ बच्चों, दिस का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, ये तो हम अच्छे से जानते हैं कि दिस का प्रयोग हम ऐसी जगहों पे करते हैं जहाँ हमारे नज़दीक कोई वस्तु रखी हुई हो, उस वस्तु की लोकेशन बताने के लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं। जैसे ये मार्कर मेरे पास, मेरे नज़दीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, दिस इज़ अ मार्कर। इसी तरीके से ये बोर्ड हमारे नज़दीक है इसलिए हम क्या बोलेंगे, दिस इज़ अ बोर्ड। अब ये हम बोलने को तो बोल दे रहे हैं, लेकिन हम ये भी तो देखें कि क्या इस रूल को ये फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो पहले हम हिंदी में इस वाक्य को लिखते हैं, यह एक कलम है। अब देखिए, यह शब्द जो है हमारा वो कर्ता हो गया, तो हम सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखते हैं दिस। और देखिए हिंदी में यहाँ पे
है शब्द का प्रयोग लास्ट में हुआ है, लेकिन इंग्लिश में हम हमेशा वर्ब को सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखते हैं। तो हमें पता है कि अंग्रेजी इज होती है और ऑब्जेक्ट में हमारा एक कलम है, तो एक के लिए हम अ का यूज़ करते हैं और कलम के लिए हम पेन का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि यह एक कलम का जो इंग्लिश में हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं वो दिस इज़ अ पेन कर रहे हैं। यहाँ पे रूल से भी हम टैली कर लेते हैं कि हमारे रूल को ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो देखिए, सब्जेक्ट हमारा है दिस, वर्ब हमारा है इज और ऑब्जेक्ट हमारा है अ पेन। इसी तरीके से हम और भी एक दो सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे हमने कहा यह एक किताब है, ठीक है। यहां भी हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, यह, तो हम सबसे पहले यह की अंग्रेजी लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद हमारा अगला चीज क्या आता है, वर्ब, तो वर्ब हमारा इज है तो हमने इज लिख दिया। और देखिए, बुक यहाँ पे लिखी हुई है लेकिन उसके पहले एक शब्द का प्रयोग हुआ है तो हम जो है यहाँ पे अ बुक लिखेंगे। और इस तरीके से हमारा ये ट्रांसलेशन कंप्लीट हो रहा है, दिस इज अ बुक। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि हम यहाँ पे अ का उच्चारण कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम अ का उच्चारण कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इंग्लिश के कुछ नियम ऐसे हैं जिसके हिसाब से लगभग 80% मामलों में हम इसको अ का ही उच्चारण करते हैं। तो देखिए, दो नई बातें हमें पता चली। पहली बात तो ये कि हम जो भी सेंटेंस बनाते हैं वो हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के रूल को फॉलो करते हुए बनाते हैं। और दूसरा रूल हमने ये सीखा कि अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में हमारा नाउन होता है तो नाउन के पहले हम कोई ना कोई एक आर्टिकल ज़रूर लगाते हैं। और तीसरी बात ये सीखी कि नाउन के का पहला लेटर अगर कॉन्सोनेंट है तो उसके पहले हम अ लगाते हैं। तो कुल मिला जुला के ये सब छोटी छोटी बातें जो है आज के वीडियो में हमने डिस्कस की हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा बताई गई ये बातें समझ में आई होंगी, और अगर नहीं समझ में आई हैं तो मैं तो कहता हूँ कि आप इन वीडियोस को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, तब तक देखिए जब तक कि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए। इसके बाद भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे बेझिझक कमेंट बॉक्स में कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, और मुझे आप कमेंट ज़रूर करिए। और कमेंट से जो है मुझे पता चलता है कि आप मेरे बताए गए तरीकों को कितना सीख रहे हैं। तो आज का टॉपिक पढ़ने के बाद से आपको रूल ज़रूर समझ में आया होगा, और उस रूल का ध्यान करते हुए मैंने स्टार्टिंग में जो आपको तीन वाक्य दिए हुए थे यहाँ पे, उनका क्या ट्रांसलेशन बनेगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। और कोशिश करिएगा कि वो जवाब खुद से आए, किसी से पूछ के नहीं आए। हिंट ये है कि मैंने यहाँ जो दो शब्द लिखे हुए थे, ईट और फूड, इसमें से एक हमारा वर्ब है और एक हमारा नाउन है। तो यही जो है इन क्वेश्चंस को ट्रांसलेट करने का हिंट है, और मुझे उम्मीद है कि आप इस हिंट को समझ के मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर देंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।